गांधी परिवार में विरासत ही सियासत है और सियासत में ही विरासत है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को इस विरासत की जरूरत नहीं और न ही सियासत की इस विरासत में शामिल होना चाहते हैं वाड्रा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि उन्हें अपने जीवन को सुधारने या फिर आगे बढ़ने के लिए प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं है। वाड्रा ने कहा कि उनके माता पिता ने उन्हें पहले से ही बहुत धन संपत्ति दी हुई है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रियंका की मदद की जरूरत नहीं है। अब इसके क्या मायने लगाए जाएं ये देखना होगा, क्योंकि वाड्रा की पहचान ही प्रियंका गांधी से है। राजनीति में जाने के सवाल पर वाड्रा ने कहा कि मैं कैसे राजनीति में जा सकता हूँ, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं राजनीतिक घराने से? लेकिन आप ना को भी ना नहीं कह सकते, देखते हैं कि भविष्य ने मेरे लिए क्या सहेज कर रखा है। वाड्रा ने कहा कि मुझे अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए प्रियंका की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे पर्याप्त दिया है। वाड्रा ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को जल्द ही जनता के बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। देश की जनता काफी समझदार है और उसे सही गलत की बेहतर समझ है। डीएलएफ जमीन विवाद में फंसे वाड्रा ने कहा कि वो लोगों की बातों से परेशान होकर देश नहीं छोड़ने वाले हैं। गौर हो कि पिछले साल रॉबर्ट वाड्रा अपने फेसबुक पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गए थे,